गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से सिलेक्शन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था वो था नेचुरल लॉ स्कूल पर, जिसमें हमने ये देखा था, ये पढ़ा था कि पूरी की पूरी सोसाइटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बेस्ड होती है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है कि मैं और तुम, हम दोनों एक साथ पीसफुली रहेंगे और कोई किसी को तंग नहीं करेगा। तो दैट इज़ हाउ सोसाइटीज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो धीरे धीरे अब बाबा रामदेव जी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उस पर काम करने लगे हैं सबके साथ मिलकर। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या कहती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी ये कहती है कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर रहा है कि हम दोनों पीसफुली रहेंगे, और ये दोनों बंदे मिलकर अपनी एक अथॉरिटी है उसको सरेंडर कर देते हैं और उसको अपने बिहाफ पर केयर टेकर की तरह रख लेते हैं कि तुम हमारे लिए सारा काम करोगी, सब कुछ देखोगी, और अगर तुमने हमारे हित में काम नहीं करा या हमारे इंटरेस्ट में काम नहीं करा तो हम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थीम है। तो बाबा जी ने अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए अब योगा अभ्यास शुरू कर दिया है, उन्होंने योगा कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं, और धीरे धीरे योगा कैंप चलाते चलाते एक दिन वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। अचानक से उनके दिमाग में एडम स्मिथ का एक आइडिया आता है जो ये कहते हैं कि नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंटेलिजेंट होगा वो पैसा ले जाए, वो पैसा बना जाए, जिसे हम इकोनॉमिक्स में लेजे फेयर करके बुलाते हैं। तो बाबा रामदेव जी के दिमाग में आइडिया आया, चलो यार इन्हीं आंटियों को मैं अपना सारा प्रोडक्ट बेचता हूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, मैं इंटेलिजेंट तो हुई। तो बाबा जी ने अपनी पहली कमाई कमाई और बड़े खुश हुए कि यार मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होना शुरू हो गया है। और कुछ ही दिनों में वो बन जाते हैं 2000 करोड़ के बिजनेसमैन बाबा, एंड डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बी प्राउड ऑफ इट कि मैं तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया हूँ। अब ये सब चल ही रहा होता है कि जर्मी बेंथम अंकल एक दिन इनके पास आ जाते हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। और सवाल क्या पूछते हैं? वो ये कह रहे हैं बाबा रामदेव जी को, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, ये गलत बात है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ पर आनंद भोग रहे हो, प्लेजर ले रहे हो। तो इस पे बाबा रामदेव जी का क्या जवाब आता है? अरे आप चुप रहिए, आपको पता नहीं एडम स्मिथ भी यही कहता है कि जो है वो ले जाए, जिसके पास अकल है वो ले जाए, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो जर्मी बेंथम उन्हें बोलते हैं, अच्छा लाइए, आप हमारा तराजू लेकर आई है, हम उस तराजू पर आपकी यूटिलिटी को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी या यूटिलिटेरियन ये कहता है कि लाभ दोनों पक्षों को होना चाहिए। तो जर्मी बेंथम अंकल बेसिकली इस पर्टिकुलर तराजू के ज़रिए ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि किसको कितना लाभ हुआ। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि नेचुरल लॉ का जो नेचुरल लॉ स्कूल का जो थीम है या नेचुरल लॉ का जो थीम है कि जिसके पास अकल है वो ले जाए या जो इंटेलिजेंट है वो आकर एक्सप्लॉयट कर ले रिसोर्सेज को, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो अमीर से अमीर होता चला जाएगा, इनइक्वालिटी गैप बढ़ जाएगा। तो जर्मी बेंथम अंकल इस बात के लिए कंसर्न्ड है कि अगर ये इनइक्वालिटी गैप बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो नेचुरल लॉ की जो अंधी फिलॉसफी है या इलॉजिकल फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट है। तो ये कहते हैं कि सिस्टम के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो नेचुरल लॉ स्कूल का जो प्रिंसिपल है जो बैलेंस को अलग तरीके से पढ़ना भी सिखाता है, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। तो जर्मी बेंथम अंकल बोलते हैं, चलो अपनी अथॉरिटी को बुलाओ। अथॉरिटी कौन सी तुम्हारी? तो बाबा रामदेव जी कहते हैं, नहीं नहीं आप अथॉरिटी को नहीं बुला सकते, वो तो हमारे होने से है, हम ही ने अपॉइंट कर रखा है, अगर हमारे अगेंस्ट वो कुछ करेगी तो हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। तो जर्मी बेंथम अंकल उसे बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, इस अथॉरिटी के पास इतनी पावर है
कि अगर कोई नेचुरल लॉ स्कूल के प्रिंसिपल्स को मिसयूज़ करता है तो ये उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करेगी। उस टाइम पर इसका इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और एनालिटिकल स्कूल की फ़िलासफ़ी पर, या यू कैन से जर्मी बेंथम की फ़िलासफ़ी पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 39, जो क्या कहता है, द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व सर्व द कॉमन गुड। एंड द सी पार्ट विच सेज दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। तो जर्मी बेंथम ने पतंजलि के अंकल को समझा दिया है तरीके से कि भैया तुम ये जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को एक अलग ही तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और एक मैन मेड लॉ है, और वो मैन मेड लॉ क्या है, दैट इज़ लेजिस्लेशन। और इस लेजिस्लेशन के अंडर तुम हो और तुम्हें मैंडेटरी है इस चीज़ को फॉलो करना। तो मैन मेड लॉ कौन से हैं हमारे जो आर्टिकल 39 के ऊपर बने हुए हैं, दैट इज़ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो बच्चे, पूरा एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस का जो थीम है वो वेलफेयर स्टेट के ऊपर बेस्ड है। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक डिटेल क्लास बनाएंगे एनालिटिकल स्कूल की, 25-30 मिनट का जो लेक्चर मैं आपके लिए तैयार करूंगी, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि उस टाइम पर यूरोप में क्या चल रहा है जो जर्मी बेंथम उसे विटनेस कर रहे हैं, एडम स्मिथ क्या काम कर रहे हैं, जो अमेरिका की अभी फ्रीडम जो उनका स्ट्रगल हुआ है, उनमें जो फ्रांस का पार्टिसिपेशन हुआ है, उसने किस तरह से अफेक्ट करा है ब्रिटिशर्स को या यूरोप को, और पूरा यूरोप उसे कैसे देखता है, कैसे एक थ्रेट लेता है, उसे एक थ्रेट की तरह लेता है। और फिर एक फिलॉसफी आती है कि इन इक्वालिटी गैप्स को कम करने के लिए किसी एक बंदे का होना ज़रूरी है, और वो बंदा उस पूरी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए लॉ बनाएगा, और वो लॉ बाइंडिंग फोर्स लेकर आएगा, और वही आपको मानना भी पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं मानेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट है। अगर मैं आपको और 1-2 मिनट में ये समझाऊं कि नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसके पास अकल है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, वो ले जाए, वो चीज़ों को एक्सप्लॉयट कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो इनइक्वालिटी गैप आएगी उससे समाज में, उसके लिए कोई पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैन मेड लॉ का होना ज़रूरी है, राइट? मैंने ये कोशिश करी है एक छोटी सी आपको एनालिटिकल स्कूल को इंडियन पर्सपेक्टिव में समझाने की। आई होप आपको ये समझ आया, और अगर सच में समझ आया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।